हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और आप सभी का मेरे किचन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही भल्ला, वो भी एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल हलवाई तरीके से। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके भल्ले सॉफ्ट नहीं बनते, तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपके भल्ले एकदम सॉफ्ट बनेंगे रुई की तरह। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। दही भल्ला बनाने के लिए उड़द की दाल लेंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिंगो देंगे, या इसे पूरी रात के लिए भी भिंगो के रख सकते हैं। तो मैं इसे रात में ही भिंगो के रख दी थी। तो ये देखिए, सूखे में उड़द की दाल इस तरह से दिखती है। कुछ लोग इसे धोई भी कहते हैं। तो उड़द दाल बहुत अच्छे से भींग चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तो ये देखिए, धुल चुका है ये। उड़द की दाल को एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे और इसका एक चिकना सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। जरूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी डालेंगे और इसका एक चिकना पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, पेस्ट तैयार होकर रेडी हो चुका है। मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं इसे। अब इसे अच्छे से फेटेंगे। इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू फेटना है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसे एक ही डायरेक्शन में फेटे, तभी आपके भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। अगर उल्टा डायरेक्शन में फेट देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो एयर है वो ख़त्म हो जाएगा और बैटर फ्लफी नहीं बन पाएगा। इससे आपके भल्ले भी कड़े बन जाएंगे। तो इसे कंटिन्यू फेटेंगे। ये देखिए मैं कैसे फेट रही हूँ। बैटर को फेटते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बैटर पहले से काफ़ी फ्लफी भी दिख रहा है। ये देखिए, अब इसे आप इस तरह से पलटेंगे भी तो ये नहीं गिरेगा। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि बैटर रेडी है या नहीं। तो एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा ये बैटर को डालेंगे। तो ये देखिए, बैटर बहुत अच्छे से पानी के ऊपर तैर रहा है, मतलब बैटर बहुत अच्छा फ्लफी बना है। ये इंडिकेशन है कि आपका भल्ला बहुत सॉफ्ट बनेगा। अगर बैटर फ्लफी नहीं होता तो ये पानी के नीचे जाके बैठ जाता, जिससे आपके भल्ले एकदम कड़े बनते। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिला लेंगे इसे भी अच्छे से। आप चाहें तो इसमें खड़ा जीरा और 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे प्लेन ही बना रही हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं इसे एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। तो बैटर बनके रेडी हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे, तो तेल को बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम ही गरम करेंगे। चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए, तेल हल्का गरम हो चुका है। अब इसमें भल्ले को डाल देंगे। निकाल लेते हैं इसे। तो भल्ले को डालने से पहले क्या करेंगे कि हाथ को इस तरह से पानी में भिंगोएंगे और बैटर को उठाते हुए इसे तेल में डालेंगे। इससे क्या होगा कि बैटर आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। तो एक एक करके सारे भल्ले इसमें डालते जाएंगे। तो बैटर को गीला नहीं बनाएंगे, अगर बैटर गीला होगा तो भल्ले का सही शेप नहीं दे पाएंगे। बैटर इतना फ्लफी बना था कि आप देख सकते हैं, भल्ले को तेल में डालते ही ये ऊपर तैरने लग रहा है। ये इंडिकेशन है कि आपका जो भल्ला है बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। भल्ले को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, नहीं तो भल्ला ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। एक बैच तैयार होने में 12 से 15 मिनट लग जाता है। तो ये देखिए, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसे और ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे। तो जब तक भल्ला रेडी हो रहा है, इसके लिए पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हल्का गर्म पानी ली हूँ। पानी हल्का ही गर्म होना चाहिए। ये देखिए, उंगली डालने पे बस हल्का सा गर्म फील होगा। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो नमक का इस्तेमाल कम ही करेंगे, क्योंकि भल्ले में भी नमक डाला हुआ है। मिला देंगे इसे। भल्ले को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो चुका है और इसके ऊपर बहुत अच्छा एक सुनहरा कलर भी आ चुका है। तो इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल के डायरेक्ट पानी में डाल देंगे। ये देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। तो सारे भल्ले को पानी में डाल देंगे।
अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भिंगो के रख देंगे। आप चाहें तो सूखे भल्ले को भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी दही भल्ला खाने का मन हो आप इसे सेम प्रोसेस से पानी में भिंगो के दही भल्ला बना सकते हैं। 1 घंटे बाद देखेंगे भल्ला काफ़ी पानी पी चुका है और ये सॉफ्ट भी लग रहा है। ये देखिए पहले और बाद का साइज भी बड़ा हो चुका है और इसका कलर भी लाइट हो चुका है। तो एक भल्ला मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है, और इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए इसे दबाएंगे तो काफ़ी ये सॉफ्ट बनी है। अब क्या करेंगे कि 1 कटोरी फेटी हुई दही लेंगे। तो दही को फ्रेश ही लेंगे, खट्टी दही का इस्तेमाल इसमें ना करें। अब इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो पिसी हुई चीनी की जगह आप लोग नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला देंगे सभी को। दही भल्ले में हल्की मीठी दही ही इस्तेमाल होती है, पर अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं अब। तो भल्ले को हल्का प्रेस करते हुए इसे इसका हल्का पानी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो भल्ला टूट जाएगा। ये देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए अब इसके ऊपर फेटी हुई दही डाल देंगे। तो जितना दही खाना पसंद हो उसके अनुसार इस पर दही डाल दें। अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। तो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। धनिया और पुदीना की हरी चटनी डाल देंगे। ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, और लास्ट में काला नमक डाल देंगे। बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट दही भल्ला बनके रेडी हो चुकी है। ये देखने में तो स्वादिष्ट लग ही रही है, और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये दही भल्ला इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो आप इस रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपके भल्ले कैसे बने। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबा के ऑल को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।